24 क्रिएटिव न्यूज में अंजलि शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज की खबर इस प्रकार। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन हर साल की तरह इस बार भक्त इस पर्व को मंदिर में जाकर नहीं मना पाएंगे। इस साल जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी जन्माष्टमी उत्सव को भक्तों के साथ नहीं मनाया जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था को रखा गया है। मंदिर के प्रवक्ता मानस गोस्वामी ने बताया कि भक्तों के लिए इस बार मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। भक्त घर पर ही रहकर भगवान के फोटो पर माला और तिलक लगाकर पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मंदिर श्री गोविंद देव जी में मनाया जाएगा। प्रातः काल मंगला झांकी के पश्चात ठाकुर श्री जी का पंचामृत अभिषेक होगा एवं उनको नवीन पीत रंग की पोशाक धारण कराई जाएगी और विशेष माला एवं अलंकार श्रृंगार किया जाएगा। दर्शनों का क्रम निरंतर चलता रहेगा। इसके पश्चात मंगला की झांकी होगी 13 तारीख की और उसके पश्चात ठाकुर श्री जी की व्रत कथा श्री गोविंद जी मिश्र जी द्वारा सुनाई जाएगी। 12 बजे ठाकुर श्री जी का जन्म के दर्शन खुलेंगे, जिसमें प्रथम में शालिग्राम पूजन एवं तिथि पूजन होगा और उसके पश्चात ठाकुर श्री जी का पंचामृत अभिषेक होगा और ठाकुर श्री जी को भोग में पंजरी के लड्डू, खीरसा और मावे की मिठाई का भोग लगाया जाएगा। इसके पश्चात और जो वेद पाठी हैं उनको ये भोग जो है पंचामृत और भोग दिया जाएगा। इस बार COVID-19 के कारण यहाँ पे सभी कार्यक्रम मंदिर सेवागृह ही की मौजूदगी में सुसंपन्न होंगे। भक्तों से निवेदन है कि वो घर पे ही ऑनलाइन दर्शन करके ही अब की बार संतुष्टि करें एवं उनके घर में ठाकुर श्री जी का चित्रपट अथवा लड्डू गोपाल जो भी हैं वो रात्रि 12 बजे उनका वहीं पे पंचामृत अभिषेक करें, उनको माला धारण करें, तिलक चंदन करें और उसके पश्चात उस भोग को खाके अपना व्रत पारण करें। दूसरे दिन ठाकुर श्री जी के 13 तारीख को यहाँ पे नंदोत्सव प्रातःकाल धूप झाकी में तिल एवं यवदान के पश्चात 10 बजे श्रृंगार झांकी में नंदोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें ठाकुर श्री जी को विभिन्न उछाल की सामग्री अर्पण की जाएगी। परंतु उछाल नहीं होगा क्योंकि कोई अब की बार भक्तों का प्रवेश निषेध रहेगा। वो ठाकुर श्री जी के अर्पण के पश्चात वापस निज मंदिर में धरा दिया जाएगा। उसके पश्चात सायंकाल को जो शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है वो भी COVID-19 के कारण गोपीनाथ जी के मंदिर तक जो जाती थी नहीं निकाली जाएगी। ठीक, राधा, जय श्री राधा।